हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी व्यंजन। स्वागत है आपका मेरे किचन में। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही यम्मी यूनिक सा नाश्ता, जिसको आप बहुत ही आसानी से रोटी के साथ बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने बची हुई रोटी से बनाया है। दोपहर की जो लेफ्ट ओवर रोटी होती है, उसको मैंने इवनिंग स्नैक्स में बदल दिया है, और ये हेल्दी भी होती है। और आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो ये बच्चे इसको बहुत पसंद से खाते हैं। तो आप इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी यूनिक स्टाइल रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, तो जो भी सब्ज़ी आपके घर में अवेलेबल हो, वेजिटेबल्स, आप उसके हेल्प से इसको बना सकते हैं। और इन सभी को मैं बारीक बारीक कट कर लूँगी, क्योंकि ये हमें उसमें स्टफिंग करनी होगी इनकी, तो इसलिए हमें इनको बारीक चॉप करना होगा। आप कोई भी सीजनल वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जैसे गाजर है, पत्ता गोभी है, अगर घर पर अवेलेबल है तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो आप लाकर भी बना सकते हैं। ये मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने इन्हीं के साथ बना रही हूँ। आप इसमें पनीर भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो भी आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, और स्किप भी कर सकते हैं। इस तरीके से बच्चों को इवनिंग स्नैक्स में एक हेल्दी रेसिपी मिल जाती है खाने को, जो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आती है। ये रेसिपी मैं लेफ़्ट ओवर रोटी से बना रही हूँ, जो मेरी दोपहर में बच गई थी। उसके बाद आप ताजी से भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारी सारी वेजिटेबल्स कट हो गई हैं, तो एक बाउल में हमने इन्हें निकाल लिया है। अब एक दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम बेसन लेंगे। यहाँ पर मैंने 4 चम्मच लगभग बेसन लिया है, तो इसमें हम डाल देंगे। और ये चावल का आटा है, जो घर का ही पीसा हुआ चावल का आटा है, वो भी मैंने लगभग 3 से 4 चम्मच ही लिया है। और थोड़ा सा हींग, अजवाइन, उसको हल्का सा क्रश करके डालेंगे। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें बेसन के साथ। और ये चाट मसाला और लाल मिर्च, आप जितना तीखा पसंद करें आप डाल सकते हैं। आप वेजिटेबल्स के साथ ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं। और ये हल्का सा गरम मसाला भी डाल रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हम वेजिटेबल्स डाल रहे हैं तो थोड़ा सा स्पाइसी होगा तो अच्छा लगेगा खाने में। और नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, क्योंकि हम 2 स्टेप में नमक डालने वाले हैं। कुछ पेस्ट में डालेंगे बेसन की, और कुछ जब वेजिटेबल्स फ्राई करेंगे तब डालेंगे, तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। तो अब हम ये सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मिक्स कर देते हैं, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट की कंसिस्टेंसी हमें ज़्यादा फ्लोइंग नहीं रखनी है, क्योंकि जिस तरीके से हम चीले बनाते हैं ना, हमें सिर्फ उस तरीके का इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। देखिए, ये ना ही ज़्यादा पतला है ना ही गाढ़ा, और कोई भी लम्स नहीं होनी चाहिए। और इसको हम कुछ देर के लिए रेस्ट पर रख देंगे, जब तक हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप जो भी तेल यूज़ करते हो आप वो डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ कर रही हूँ। गर्म हो जाने देते हैं और हमारी वेजिटेबल्स इसमें डाल देंगे, ताकि वो फ्राई हो जाएं। हल्का सा फ्राई करके डालते हैं तो एक और भी अच्छा टेस्ट बढ़ जाता है। आप चाहें तो कच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, मैं हल्का सा फ्राई करके यूज़ कर रही हूँ। और इनको इस तरीके से चलाते हुए, और ज़्यादा फ्राई नहीं करना है हमें, सिर्फ इनको एक सॉफ्ट करना है, ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए बस। तो ये देखिए, ये अब हल्का सा इनका टेक्सचर चेंज हो गया। ये देखिए, हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने लगे हैं ये। तो अब हम इसमें जो हमें मसाले ऐड करने हैं वो भी ऐड कर देंगे। ये थोड़ा सा चाट मसाला, जीरा, और ये ऑरिगेनो है, इससे भी टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो आप ऑरिगेनो ज़रूर डालिए। और हम इसको थोड़ी देर चला देंगे, ताकि ये जो हमने मसाले डाले हैं ये अच्छे से इसमें भुन जाए। और नमक डालेंगे, नमक हम बेसन में भी डाल चुके हैं, इसलिए हमको ध्यान रखते हुए नमक डालना होगा। और ये देखिए कितना अच्छे से भुन गया है। और ये फ्राई करते हुए लगभग 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और उसके बाद मैंने इसे एक अलग बाउल में निकाल लिया है। तो ये देखिए, हमारी स्टफिंग तैयार है और बेसन का पेस्ट भी तैयार है। और ये रोटियां जिनके साथ हम ये रेसिपी बनाने वाले हैं,
तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। आप ताज़ी रोटियों से भी बना सकते हैं, आप तुरंत रोटी बनाएं और उसके बाद भी आप इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से बन जाएगी। और यहाँ पर हमने एक तवा लिया है जिसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है, और इसमें हम एक चम्मच की हेल्प से, गहरे चम्मच की हेल्प से इसमें डालेंगे। जिस तरीके से हम चीला बनाते हैं हमें ये उसी तरीके से स्प्रेड करना होगा तवे पर, और साइज़ लगभग उतना रखना होगा जितना हमारी रोटी का साइज़ है। तो और इसमें तुरंत ही हमें फिर ये अपनी स्टफिंग डालनी होगी और उसको स्प्रेड कर दीजिए। और फिर इसके बाद हम रोटी लेंगे, ये मेरी दोपहर की रोटी है जिसमें मैंने घी लगा कर रखा हुआ था, तो इस तरीके से इसको इस पर चिपका देंगे और हल्के हाथों से प्रेस कर दीजिए ताकि ये अच्छे से चिपक जाए, वरना जब हम पलटेंगे तो ये अलग हो सकती है। तो इसको प्रेस कर दीजिए ताकि अच्छे से चिपक जाए और इसको सिकने दीजिए। इसको दबा दबा कर सिकेंगे तो बहुत अच्छा सा सिक जाएगा ये। और हम इस तरफ भी इसमें हल्का सा तेल लगा देंगे, आप चाहें तो इसे घी में भी बना सकते हैं, घी में भी बहुत अच्छा लगता है ये। तो इसको लगा देंगे ताकि हम जब इसको टर्न करके इस साइड से सेकेंगे तो ये बहुत अच्छे से सिक जाएगी। मुझे कुरकुरा पसंद है ये नाश्ता खाने में, तो मैं थोड़ा कुरकुरा ही बनाऊंगी। अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो आप इसको जल्दी कुक करके निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से अभी ये साइड से पक गया है, लेकिन मैं इसे थोड़ा और सेकूंगी। तो फिर से इसको टर्न करके हल्का सा प्रेस करते हुए इसको सेकते रहेंगे हम, लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा एक रोटी को सेकने में। देखिए अब ये कितना अच्छा सिक गया है कुरकुरा, बढ़िया इसका टेस्ट ही अलग आता है एकदम से। आप चाहें तो इससे पहले भी निकाल सकते हैं, अगर आपको सॉफ्ट पसंद है तो लीजिए, ये सिक कर तैयार हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा यूनिक स्टाइल रोटी तैयार है, अब हम इसको कट कर लेंगे। आप जिस शेप में चाहें आप उस तरीके से कर सकते हैं, आप इसको सिर्फ हाफ हाफ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड करके इसको रखूँगी, बच्चों को इस तरीके से खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए इस तरीके से कट हो गया है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत आसानी से बन जाता है और बच्चों के लिए एक हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाता है इवनिंग टाइम के लिए। तो ये देखिए इसके अंदर ये स्टफिंग है, कितनी अच्छी लग रही है ये, और ये 3 लेयर लगभग हो जाते हैं, ये देखिए। तो चलिए अब हम इसको प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये लीजिए अब हम प्लेट में इनको सर्व कर देंगे, और आप इसको हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ, प्याज के साथ आप इसे खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप इसके ऊपर नींबू भी डाल सकते हैं अगर आपको नींबू पसंद है तो। तो इस तरीके से आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।